हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ। माना कि आप अच्छे से रेडी हो गए, चलो वेट लॉस भी कर लिया, बहुत अच्छे दिख रहे हो, सब कुछ सही है, बट कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग लगती है। और वो मिसिंग क्या है, गेस वॉट, वो है हमारा फ्रेग्रेंस। बहुत अच्छे से रेडी हो गए, बट अगर आप अच्छे स्मेल नहीं कर रहे हो तो वो सब कुछ जीरो के बराबर है। इसी प्रॉब्लम के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ और इसका सॉल्यूशन भी देने वाली हूँ। तो मेरे पास है ये कुछ नामी परफ्यूम्स जिनकी फ्रेग्रेंस के आजकल चर्चे हो रहे हैं हर जगह, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ और उसके बाद इसका रिव्यू क्या है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये प्लम का सैम्पल पैक है, इसमें 3 परफ्यूम्स है और इसकी सारी फ्रेग्रेंस की रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कौन सा वर्थ है और कौन सा वेस्ट है। और दूसरी है ये ब्लिसफुल बुके मिनीसो की, और तीसरी वाली जो है वो है कार्टलर लंडन की म्यूज़ परफ्यूम, और जो जो लास्ट है वो है बेला वीटा की लग्जरी परफ्यूम। तो इसमें कौन कौन से परफ्यूम्स के फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छे हैं और कौन कौन वेस्ट ऑफ मनी है ये सारे मैं बताने वाली हूँ। तो चलो मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, हर किसी के पास होता है बेला वीटा की ये CEO परफ्यूम है। और इसकी स्मेल कैसी है मैं बताती हूँ। पैकेजिंग, इसकी पैकेजिंग बहुत ही सुंदर है, आप देखो अब चलो इसको यूज करके देखते हैं ये कैसा है। फ्रेग्रेंस तो पहले से ही बढ़िया आ रही है, बट अमेजिंग। तो गाइज ये 10/10 बहुत ही बढ़िया है, फुल डे एकदम सच में लग्जरी फील करने वाले हो। आई मीन इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। प्लस में आप इसको कभी भी ऑफिस वगैरह में यूज़ करते हो तो आप सबसे हटके स्मेल करने वाले हो। इसकी स्मेल बहुत ही बढ़िया है, ये ऑफिस वगैरह के लिए सबसे बेस्ट होगा। आई थिंक ऑफिस के लिए बेस्ट होगा क्योंकि पार्टी फंक्शंस में आपको थोड़ा सा मूड फ्रेश करने वाले परफ्यूम चाहिए होते हैं, और ऑफिस में ऐसे परफ्यूम चाहिए होते हैं जो आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक फील कराए, तो काम ज़्यादा अच्छे से होता है। तो आई थिंक ये परफ्यूम को आप अपने ऑफिस में, वर्क प्लेस पर यूज़ कर सकते हो। जिम के लिए सबसे बेस्ट होगा ये परफ्यूम क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब स्वेटिंग होती है तो वो बहुत स्मेल करने लगते हैं। तो इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही बढ़िया है और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, इसकी स्मेल जो है काफ़ी स्ट्रांग है। तो फुल डे आप इसको एक शॉट ही आपका फुल डे मैनेज कर सकता है। तो परफ्यूम तो आप पूरे दिन कैरी करना है तो इसको करो, बेस्ट। एंड द सेकेंड वन इज कार्टलर लंडन म्यूज। तो इसकी परफ्यूम कैसी है और इसका फ्रेग्रेंस कैसा है मैं अभी आपको बताती हूँ। देखो ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ पहले भी, इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत बढ़िया लगती है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगती है मुझे। इसका पैकेजिंग आप देख सकते हो, ये कितना क्यूट है, इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो फ्लावर्स की है और ये बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही सूथिंग परफ्यूम है। अगर आप इसको एक बार लगा लोगे तो आपको एकदम काम सा फील होगा, बहुत रिलैक्सिंग लगता है ये परफ्यूम मुझे तो। और कितना भी मूड ख़राब रहे मैं अगर ये वाला यूज़ कर लेती हूँ मुझे थोड़ा अच्छा फील होने लगता है क्योंकि अगर आप स्मेल अच्छा कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी मूड फ्रेश हो जाती है, आपके माइंड को थोड़ा सा कामनेस फील होता है। तो आई थिंक ये जो परफ्यूम है इसको आप कहीं पे भी अगर जा रहे हो बीच वगैरह पे या फिर अपने डेट नाइट पे जा रहे हो तो इसको ज़रूर यूज़ करना, ये उसके लिए परफेक्ट है। और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, अगर आप एक दिन लगाते हो तो 2-3 दिन आराम से अगर उस कपड़े को जब तक वॉश ना करो ये निकलता नहीं है। ये वन ऑफ माई फेवरेट परफ्यूम है। तो चलो अब मैं अपने छोटे से परफ्यूम के बारे में बात करती हूँ। ये है मिनीसो का ब्लिसफुल बुके, एंड इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा मैंने ऐड देखा था, बहुत ज़्यादा ऐड देखा था, वो मैंने मंगवाया। वाओ, कैन यू सी इट, कितना खूबसूरत है ये, इसका पैकेजिंग कितना सुंदर है। माय गॉड, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इसकी जो फ्रेग्रेंस है, सारे फ्रेग्रेंसेस अभी इसके सामने फेल लग रहे हैं, ये बहुत बढ़िया स्मेल कर रहा है, बहुत बढ़िया। आई मीन मैंने सोचा नहीं था इसके बारे में इतना, समथिंग लाइक मोगरा,
तो उसकी तरह फ्रेग्रेंस है इसका, ये बहुत बढ़िया यार, बहुत। इसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ, जितने वर्ड्स मैं बोलूँगी सारे कम लगेंगे। इसकी इतनी बढ़िया फ्रूटी और थोड़ी सी मोगरा टाइप की स्मेल है, आप इतनी मस्त इसकी फ्रेग्रेंस है ना, आप इसको जरूर ट्राई करना, बाकी सब करना या ना करना बट इसको जरूर ट्राई करना। ये इसकी स्मेल गजब की है, मैंने एक बार अभी लगाई, मतलब इसको कैसे डिस्क्राइब करना मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बट इसकी जो फ्रेग्रेंस है इतनी बढ़िया है, मोगरा टाइप की एकदम, जैसे नहीं होता है कोई बगल से गुजरता है और उसके बाद आपको लगता है ओ माय गॉड इसने क्या लगाया था, ये वैसी वाली ही फ्रेग्रेंस है। तो अगर आपको मेरे सजेशन में से किसी एक को चूज करना है तो ये करो, और सारे को चूज करना है तो सब करो। तो ये जो है प्लम की लविंग बॉडी मिस्ट की जो सैंपल है, इसको मैं अभी ओपन करके बताती हूँ और इसमें जो जो फ्रेग्रेंसेस है वो बताती हूँ मैं। वनीला, ऑर्चिस एंड मिमोसा, तो देखते हैं इसको। ये तो नया है, अभी मार्केट में नया लॉन्च हुआ है, सो देखते हैं इसमें कैसी फ्रेग्रेंस है। तो इसमें है ये तीन सैंपल्स प्लम के छोटे छोटे, एंड यू नो व्हाट, इट्स लुकिंग सो क्यूट। तो चलो सबसे पहले मैं इसमें से ये ट्राई करके बताती हूँ, ये वाली। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको यूज़ करने जा रही हूँ, ये है ट्रिपिन मिमोसा प्लम का बॉडी लविंग मिस्ट। तो देखते हैं अब इसका स्मेल कैसा होने वाला है। तो इसकी स्मेल में मुझे उतना कुछ मज़ा नहीं आया, इसकी जो स्मेल है काफ़ी फ्रूटी टाइप की स्मेल है, सो और फ्रूटी में एक वाव वाली जो फीलिंग होती है वो नहीं है। सो आई डोंट नो, अगर आप चाहो तो आप यूज़ करके देख सकते हो, मेरे लिए इसके दूसरे फ्रेग्रेंस को ट्राई करते हैं। एंड दिस वन इज़ वनीला वाइप्स, तो ये जो है ये वनीला वाइप्स है, और इसका मैंने बहुत ज़्यादा मतलब रिव्यू देखा था, बहुत सारे लोगों को ये पसंद आ रहा था, तो चलो इसका देखते हैं कैसा स्मेल है। भी वैसे ही है, एवरीडे सेम, बट इनकी जो फ्रेग्रेंसेस है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट है। आई मीन फ्रेग्रेंस उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब जब 3-4 शॉट लगाओगे तब आपको जाके थोड़ा बहुत फील होगा कि आपने कुछ लगाया है। सो ये इसकी स्मेल थोड़ी सी है फ्लावर टाइप की है, बट ये सारी जो परफ्यूम्स है ये आपकी एवरीडे परफ्यूम होगी, आप स्पेशल ओकेजन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, बट डेली बेसिस पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो जो तीसरी परफ्यूम है उसकी ये है ऑर्चिड यू नॉट, तो इसका भी हम लोग फ्रेग्रेंस जानते हैं कैसा है। मैं अभी आपको एक बात बताऊंगी, मे बी हो सकता है यार मुझे नहीं समझ में आया, बट इन तीनों की स्मेल एक दूसरे से मैच खा रही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। गाइस ये जो मैंने प्लम का सैंपल सेट यूज़ किया अभी आपको और बताया इसका रिव्यू, तो मेरे ख्याल से तो ये ऐसे ही जाएगा, ये एवरीडे परफ्यूम है आपका। अगर आप इसको परचेस भी कर रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि आप इसको स्पेशल ओकेजन पे लगा सकते हो, बट ऐसे ही यूज़ करने के लिए बेस्ट है। तो गाइज इन सारी फ्रेग्रेंसेस की मैंने आपको रिव्यू बता दी है, तो चलो अब मैं इनके प्राइसेस बता देती हूँ आपको। ये मैंने ख़रीदा नहीं था, मुझे नायका पे फ्री में ये सैंपल दिया गया था, मैंने जब कुछ ऑर्डर किया था तो उसके साथ ये फ्री आया था। तो ये वाली जो है मिनीसो ब्लिसफुल बुके, ये सबसे बेस्ट था इस परफ्यूम में, और इसकी जो प्राइस है वो 360। तो गाइज ये जो है कार्टलैंड लंडन की परफ्यूम, ये आपको 1299 में मिलेगी। इस परफ्यूम की जो प्राइस है वो 899 है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं थोड़ी सी मोटिवेट होकर ऐसी वीडियोस बनाते रहूं। सो किस चीज़ पे रिव्यू चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बता